हेलो फ्रेंड्स, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में टेंगल हार्ट वाइन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। जो मुझे अपने नॉलेज से पता है वही मैं आपके साथ में शेयर करूंगी और सिंपल सा बताऊंगी तरीका इसको किस तरीके से लगाना है, जिससे कि ईजी रहे लोगों को लगाना। तो ये एक टेंगल हार्ट वाइन है, इसको ये एक सकुलेंट वाइन है फ्रेंड्स। ये सकुलेंट वेराइटी की वाइन है क्योंकि इसमें पानी स्टोर होता है इसकी स्टेम में, इसलिए इसको सकुलेंट की वैरायटी माना जाता है। और इसके बारे में बात करूं तो मेरे पास में ये कई सारे हो गए हैं फ्रेंड्स, इसका कलेक्शन हो गया है मेरे पास में। तो ये तो मैंने लगा के रखा है किसी को देने के लिए, मेरे पास में मुझे देना है किसी को, अगर वो घर पर आ जाएंगे तो मैं उनको दे दूंगी। तो सबसे पहले हम इसकी मिट्टी की बात करते हैं कि फ्रेंड्स इसकी मिट्टी किस तरीके से बनानी है। इसकी मिट्टी जो है एकदम जो लो बेड सॉइल होती है वैसे बनानी है, क्योंकि लोग इसको ना हैंगिंग पॉट में लगाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और हैंगिंग लगाने पर ही ये एक हैंगिंग वाइन है, हैंगिंग लगाने पर ही ये बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास में है। ये हैंग करके ही रखी हूँ और मेरे जो पॉट हैं ये छोटे छोटे से पॉट हैं, ये इन्हीं में मैंने लगा के रखा है। तो इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं। तो इसकी जो सॉइल है उसमें आप, मैंने तो आधा भाग मिट्टी मिलाई है गार्डन सॉइल और डेढ़ भाग इसमें बर्मी कंपोस्ट है, और उतना ही जितना बर्मी कंपोस्ट है उतना ही मैंने इसमें कोकोपीट ऐड किया है। तो इसी तरीके से मैंने इसकी सॉइल बनाई है, एकदम लो वेट है। और देखिए आप, मैंने इसको पॉट पे हैंग करके रख दिया है। वैसे मैं इसको उस जगह पे वहाँ पर हैंग करके रखती हूँ जहाँ पर मेरे और पॉट है, हैंगिंग पॉट, वहाँ पर हैंग करती हूँ ये दोनों ही पॉट को। अभी मैंने वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर हैंग कर रखा है। तो इनकी सॉइल इस तरीके से एकदम लो वेट सॉइल बनाएं। और दूसरी बात जो है कि इसकी प्रोपोगेशन, इसकी प्रोपोगेशन आप कटिंग्स के थ्रू कर सकते हैं या नर्सरी से परचेस करके कर सकते हैं। कटिंग के थ्रू करते हैं फ्रेंड्स तो ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाती है, आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इतनी सी भी आप ले लेंगे, या इसकी आप लीव भी अगर कहीं मिट्टी में दबा देंगे, हल्की बेल्डरन सॉइल होगी तो ये अच्छे से प्रोपोगेट हो जाएगी। और बारिश के मौसम में तो इसको प्रोपोगेट करना बहुत ही इजी है, आप इसको कहीं भी थोड़ी सी कटिंग इसकी दबा दें, ये बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। और आप नर्सरी से चाहें तो इसको 20 से 30 रुपए में आप नर्सरी से परचेस कर सकते हैं, या अलग अलग एरिए में अलग अलग प्राइस होती है, हमारे यहाँ आराम से 20 से 30 रुपए में मिल जाएगी। तो आप 20 से 30 रुपए में इसको परचेस कर सकते हैं। और तीसरी बात फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, तो इसको कोई भी प्रकार का फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, बस इसकी जब सॉइल मिक्स बनाएं तो एकदम अच्छा सॉइल मिक्स बनाएं, तभी ये अच्छे से ग्रोथ करेगा फ्रेंड्स। और मेरे पास में आप देख सकते हैं एक पुराना है जिससे मैंने ये सब प्लांट तैयार किए हैं। तो ये जो है इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो आप देखिए इसकी फ्लावरिंग भी देखिए, ये फ्लावर्स हैं, ट्रायंगल हार्ट के फ्लावर्स हैं ये। तो ये वाइन मेरी, मुझे अच्छी लगती है, मैं चाहूँ तो इसको काट दूँ लेकिन मैं इसको लगा कर रखी हूँ, मैं इसको नहीं कट करती हूँ। और यहीं से लीव्स गिर जाती हैं नीचे पॉट में तो और प्लांट उग जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट होते जा रहे हैं मेरे पास में, मुझे अब इसके प्लांट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए कितनी खूबसूरत दिखती है ना, कलर कितना खूबसूरत है इसका, और ये एकदम ग्रीन है। तो इस तरीके से बनाएं। पॉट सिलेक्शन की बात करें तो आप इसको छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाया है, इससे भी छोटे पॉट में लगा सकते हैं। कोई वेस्ट कंटेनर हो आपके पास में उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं, या आप जैसे कोई भी पॉट में लगाते हैं तो उसके खाली ड्रेनेज सिस्टम जो है वो एकदम अच्छे होने चाहिए। ड्रेनेज होल जो होते हैं पीछे, जो हम जो ड्रेनेज करते हैं उसके बेस एरिए में, तो वो एकदम अच्छे होने चाहिए, पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। तो बस इसी तरीके से बनाएं। और सनलाइट की बात करें तो मैं इसको फुल सनलाइट में रखती हूँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो थोड़ा शेडी एरिए में भी रख सकते हैं, इसको इंडोर भी आप रख सकते हैं, इंडोर भी बहुत अच्छे से ग्रो होती है, ये बहुत ही ग्रीनरी ऐड करती है हमारे गार्डन में। आप चाहें तो अंदर आपके हॉल में या डाइनिंग रूम में कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी दिखती है। और आप फर्टिलाइज़र तो मैंने बता भी दिया है, कोई भी फर्टिलाइज़र इसको नहीं चाहिए। अगर और इसमें फंगर्स की बात करें तो इसमें किसी भी तरीके का, मतलब फंगर्स तो जो है अगर पानी ज़्यादा होगा ना तो फंगर्स इसमें लग जाएगा। तो आप चाहें तो महीने में एक बार या 20 दिन में एक बार इसको फंजीसाइड पाउडर का थोड़ा सा पानी जब दें तो फंजीसाइड पाउडर मिला कर दें तो इसमें फंगर्स का प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स।
फंगस जो है इसमें नहीं लगेंगे। और एफिटाटेक्स की बात करूं तो इसमें किसी भी तरीके का एफिटाटेक्स नहीं होता है। मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुकी हूं फ्रेंड्स, लेकिन तब मेरे पास में मैंने इस वाले प्लांट का वीडियो बनाया था, ये जो मेरा ओल्ड प्लांट है इसका वीडियो बनाया था, ये नहीं थे और अब मैं इनका वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई भी एफिटाटेक्स नहीं होता है फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसको बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हैं, आप अपने गार्डन में ज़रूर इसको ऐड करें फ्रेंड्स। बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।